नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भिखारी ठाकुर के बारे में। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के भोजपुर क्षेत्र के सारण जिले के कुतुबपुर नामक गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जुलाई 1971 में हुआ था। भिखारी ठाकुर एक लेखक, एक अभिनेता, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर ने कई किताबें लिखी, जैसे कि विदेशिया, गबर, गीचोर, बेटी बेचवा, गंगा स्नान, भाई विरोध, कलयुग प्रेम, विधवा विलाप और भी बहुत सारी। भिखारी ठाकुर ने अपनी बहुत सी किताबें 1938 से 1962 के बीच लिखी। भिखारी ठाकुर ने बहुत से भजन और हरि कीर्तन भोजपुरी भाषा में लिखी। भिखारी ठाकुर मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कैथी लिपि का ज्ञान था। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा के साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। कबीर दास जी भोजपुरी के कवि थे, ना कि हिंदी के। कहां हिंदी मात्र 150 साल पुरानी है, वहीं भोजपुरी 1700 से भी ज्यादा पुरानी भाषा है। आज भोजपुरी की यह हालत है कि भोजपुरी दुनिया के सबसे मीठी भाषा है और उसे दुनिया के 4 देशों की संवैधानिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। और आज उसे ही अपने ही देश में एक बनावटी भाषा के बोली के रूप में रखा गया है। ये पूरे भारत के लिए शर्म की बात है। ठीक कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो समाज अपनी इतिहास को नहीं जानता वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। आज वही हालत भोजपुरियों के साथ भी है। आज देखिए आपकी भोजपुरियों का ये मानसिकता है कि कोई भी भाषा है, बस क्या फर्क पड़ता है हिंदी में बात करो या भोजपुरी में। पर इन्हें अगले 10 साल के बाद पता चलेगा कि इनकी भाषा विलुप्त हो चुकी है और फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इनको, फिर पता चलेगा। भोजपुरी भाषा ना ही कभी हिंदी की बोली थी, ना ही कभी हिंदी की बोली है और ना ही कभी हिंदी की बोली रहेगी। भोजपुरी हिंदी से 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी भाषा है। भोजपुरी भाषा की अपनी खुद की लिपि है, खुद के व्याकरण है, खुद के शब्द है और खुद के अपने साहित्य लेखक है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को और बिहार सरकार को और भारत सरकार को भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, वरना जब तक शांत है तभी तक, वरना हिंदी की वो हालत करेंगे तमिलनाडु वाले से भी बदतर हालत करेंगे हिंदी की। अभी ये हमें समझते ही नहीं है, हिंदी हमारी भाषा नहीं है। पूरे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई हिंदी नहीं बोलता। हमारी मातृभाषा भोजपुरी थी, है और हमेशा रहेगी, ना कि हिंदी। भोजपुरी हिंदी से ज्यादा पुरानी भाषा है, ज्यादा अच्छी भाषा है। भोजपुरी की खुद की लिपि, खुद के शब्द, खुद के व्याकरण और खुद की साहित्य है। हिंदी की तरह नहीं कि दूसरे भाषाओं को अपनी बोली बताकर और उनकी चीजों को, उनकी साहित्य को अपना साहित्य बताना। तो ठीक है, जय भोजपुर प्रदेश, जय भोजपुरी माई, जय भोजपुरिया समाज, जय हिंद, जय भारत, जय आरा, जय भिखारी ठाकुर। मैं फिर से ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि भोजपुरी ना ही कभी हिंदी की बोली थी, ना ही कभी हिंदी की बोली है, ना ही कभी हिंदी की बोली रहेगी। भोजपुरी हिंदी से ज्यादा पुरानी और अच्छी भाषा है। जय भोजपुरी।